आज ये त्रिकोणमिति का चौथा पार्ट है और इसमें पिछला वीडियो में हम बोले थे कि इसमें जो है त्रिकोणमितीय टेबल जो होता है, जो मान भरना होता है, उस मान को याद करने के लिए सीखेंगे। और ये मान जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हिसाब हो या फिर सब्जेक्टिव हो, इससे निश्चित क्वेश्चन आता है। और सबसे बड़ी बात है इसको याद करना, याद जल्दी नहीं होता है। तो आज इस टेबल को बनाने के लिए हम सीखेंगे। टेबल में क्या है कि अगर ये साइन थीटा वाला मान अगर याद रख लेते हैं तो पूरे टेबल को आप बना सकते हैं। केवल इसके मदद से हम पूरे टेबल को भर सकते हैं अगर ये याद कर लेते तब। तो ये कैसे याद होगा, तो देखिए इससे पहले जो भी टाइप पर है उसका भी कुछ इस्तेमाल हम करेंगे और उसके मदद से पूरा टेबल भरेंगे। अगर पूरा टेबल आपको याद मान नहीं भी होता है, लेकिन इतना तो गारंटी है कि इस वीडियो के देखने के बाद जो है आप जो ये टेबल अपना से खुद बना सकते हैं। अगर याद नहीं भी है तो फिर भी टेबल बना सकते हैं, कैसे होगा। तो चलिए टेबल बनाने के लिए सीखते हैं। ये साइन जो है ये त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ, जो कि 6 होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा, कोसेक थीटा। और ये जो है दसमा में जो है यही 5 एंगल का मान याद रखना पड़ता है। बाकी बोले जब 11th में जाएंगे तो इससे बड़ा बड़ा एंगल का भी हम मान निकालने के लिए सीखेंगे। फिलहाल अभी जो है सिलेबस में उसी को देखेंगे। ये 0 डिग्री का देखेंगे, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का देखेंगे कितना मान होता है। उसके बाद जो है ना ये साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ये सब का मान कैसे निकलता है वो भी हम करके दिखाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। एग्ज़ाम में पूछ देगा 45 डिग्री का सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें, अर्थात साइन 45 कितना, कॉस 45 कितना, टेन 45 कितना, कॉट 45। ये उसी तरह कभी कभी पूछ देगा कि साइन, पूछ देगा कि 60 डिग्री का सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें, या फिर 30 डिग्री का सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें, या 0 डिग्री का, या 90 डिग्री का, इसमें किसी भी का पूछ सकता है। तो वो हम करके भी दिखाएंगे कि 60 डिग्री का सब कितना होगा और 90 डिग्री का कितना होगा, 45 का कितना होगा। तो यहाँ केवल हम टेबल याद करने के लिए सीखेंगे, बाकी इसको हम बाद में करके भी दिखाएंगे कि कितना हो, कैसे होता है। अगर इसको याद रखने की बात करें तो देखिए टोटल 5 कॉलम है, 1, 2, 3, 4, 5। अभी हम क्या बोले, अगर साइन केवल याद कर लेते हैं, साइन वाला कॉलम, तो इसके मदद से पूरा कॉलम में याद हो जाएगा। तो साइन को पहले याद करने के लिए देखते हैं। तो क्या बोले, 5 कॉलम है, तो गिनती जो स्टार्ट करना है हमको 1 से नहीं करना है, यानी कि 0 से स्टार्ट करना है, क्योंकि 0 डिग्री शुरू हो रहा है, तो इसलिए गिनती हम 0 से स्टार्ट करेंगे। तो ये 0 कॉलम हुआ, ये 1, 2, 3, 4। अगर थोड़ा सा समझने के लिए हम लिखे तो यहाँ मान लेते ये 0 नंबर पर है, ये पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, और ये चौथा है। बस एक कॉलम याद कर लीजिए, बाकी तो सब हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जितना भी नंबर है इसका रूट करके बटे 2 कर दो, मान निकल जाएगा। जैसे साइन 0 डिग्री का अगर निकालना है, इसका रूट करो मतलब वर्गमूल, इसका वर्गमूल करो सबका, ये सबका रूट करना है, रूट करने के बाद बटे 2 कर दो, साइन का मान निकल गया। कैसे, साइन 0 का वर्गमूल निकालेगा 0, और 0 बटे 2 करेंगे तो 0 बटे कुछ भी रहेगा 0, तो साइन का मान पता चल गया, साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। उसी तरह अगर इसका निकालना है, कितना नंबर पर आया था, 1 नंबर पर, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1 होगा, और बटे कर देना है 2, सब में बटे 2 कर देना है। तो बताऊँ 1 का वर्गमूल 1 तो कितना हो जाएगा, 1 बटे हो जाएगा 2। तो यहाँ से पता चल गया कि साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया, 1 बटे 2। अब इसका अगर पता करना हो तो ये जो है रूट 2 है, अब बटे क्या करना है, 2, तो रूट 2, देखिए रूट 2 इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, लेकिन बटे क्या करना है, 2, और यही हो जाएगा किस का मान, तो साइन 45 का। लेकिन टेबल में देखिएगा तो इतना नहीं है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, रूट 2 से गुना भाग कर दीजिए, यहाँ से ये कट गया, बच गया कितना,
रूट टू से गुना भाग जब करेंगे तो हो गया रूट टू इंटू रूट टू करेंगे टू, और ये नीचे हो गया टू रूट टू, यहाँ से टू टू कट के कितना बचेगा एक बटे रूट टू। तो साइन 45 का मान कितना होगा एक बटे रूट टू। उसके बाद 60 डिग्री का क्या करेंगे, इसका रूट यानी वर्गमूल निकालो, तो रूट थ्री का वर्गमूल भी नहीं निकलेगा तो इसलिए रूट में ही रहेगा, रूट में ही रहेगा, और बटे क्या कर देना है बटे कर देना है टू, तो मान हो गया याद यानी साइन 60 डिग्री का मान हो गया रूट थ्री बटे टू। उसी तरह 90 का अगर निकालेगा तो रूट फोर है, रूट फोर का वर्गमूल निकालेगा कितना होगा दो, और बटे क्या करना है दो, कट के कितना निकल गया एक, तो यहाँ साइन 90 डिग्री का मान निकल गया एक। साइन का हम देख लिए, फिर से देख लेते एक बार क्या बोले, टोटल 5 कॉलम है लेकिन गिनती करना है कहाँ से, जीरो से स्टार्ट करना है, तो जीरो कॉलम हुआ, एक हुआ, दो हुआ, तीन, चार, और जो भी गिनती है उसका वर्गमूल निकालना है, जैसे जीरो का रूट एक दो तीन चार जो भी है उसका रूट निकाल लेना और बटे कर देना दो, साइन का मान हो गया। जैसे जीरो का वर्गमूल निकालेंगे जीरो और बटे दो करेंगे तो जीरो बटे कुछ भी रहेगा जीरो, तो साइन जीरो डिग्री हो गया जीरो। एक का वर्गमूल निकालेंगे एक बटे कर देंगे दो तो साइन 30 डिग्री बराबर कितना हो गया एक बटे दो। उसी तरह रूट टू का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा तो रूट टू बटे कर देंगे टू तो रूट टू बटे टू, चूँकि बोले टेबल में ऐसा मान नहीं है तो हम क्या किए रूट टू से गुना भाग कर दिए, इसको परिमेयकरण कहते हैं। तो गुना भाग किए तो रूट टू गुना रूट टू करेंगे रूट टू हो गया और नीचे हो गया टू रूट टू, तो टू टू कट के एक बटे बच गया रूट टू, तो साइन 45 हो गया एक बटे रूट टू। और साइन साठ की बात करें तो देखिए रूट थ्री इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट थ्री हो गया बटे कर देना दो तो निकल गया ये। उसी तरह रूट फोर इसका वर्गमूल निकलेगा दो बटे कर देना दो तो दो दो कट के हो गया एक। तो इस तरह से हम साइन का जो है सब मान को हम लिख लिए, या फिर अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो कम से कम एक मान तो याद कर ही सकते हैं, पढ़ लिख रहे हैं तो इतना तो कर सकते हैं, अगर एक मान याद कर लिए तो पूरे टेबल बन जाएगा। तो देखिए अब पूरा टेबल हम बना के देखते हैं, हमको पता है कि साइन का उल्टा कौन होता है कौशिक, क्योंकि हम पीछे देख चुके हैं कि किसके साथ कौन जोड़ा लगा था, तो साइन का उल्टा होता है कौशिक, तो कौशिक यहाँ नीचे में है तो नीचे वाला भरो, उल्टा का मतलब जो भी वैल्यू है इसको उल्टाते जाना है, जैसे जीरो है तो नीचे में नहीं कुछ है तो कितना है एक है, तो जीरो है नहीं कुछ है तो एक है, जब कौशिक का लिखेंगे तो इसको उल्टाना पड़ेगा, तो उल्टाइए उल्टाएंगे तो एक बटे हो जाएगा जीरो, और किसी भी संख्या में अगर जीरो से भाग दिया जाए तो इन्फिनाइट हो जाता है, वो परिभाषित भी कह सकते हैं अनंत भी कह सकते हैं, अनंत का सिंबल ऐसे होता है ये वाला सिंबल दे सकते हैं या फिर वो परिभाषित कह सकते हैं, क्योंकि इसका कोई अनंत का कोई परिभाषा नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं होता है उसको अनंत कहते हैं, तो इसका कोई परिभाषा नहीं होता है, तो यहाँ हम अनंत लिख सकते हैं या वो परिभाषित लिख सकते हैं या फिर वो सिंबल दे सकते हैं। तो चलिए एक कॉलम में लिख देते हैं ओ परिभाषित हुआ या सिंबल दे देते हैं इन्फिनाइट का अनंत का, आगे हम यही सिंबल दे दिया करेंगे, तो यहाँ से पता चल गया इसका मन। अब ये वाला देखो इसका चूँकि कौशिक उसका उल्टा होता है तो इसको उल्टाओ, उल्टा देंगे तो दो बटे एक, तो नीचे में एक नहीं लिखा जाता है तो कितना हो जाएगा दो हो जाएगा। उसके बाद इसको भी उल्टाओ, उल्टाएंगे तो रूट टू बटे हो जाएगा एक, तो फिर एक नहीं लिखेंगे तो क्या लिख देंगे रूट टू हो जाएगा। फिर यहाँ देखो इसको उल्टाओ, उल्टा देंगे तो क्या होगा दो चल जाएगा ऊपर और रूट तीन रहेगा नीचे, इसको उल्टाओ अरे नीचा में नहीं कुछ है तो एक है, तो एक बटे एक करेंगे तो एक ही होता है इसलिए ये कितना होगा एक। अब देखिए साइन का अगर याद कर लिए तो साइन के मदद से कौशिक हो गया तो दो कॉलम तो हो ही गया, बच रहा है यहाँ बीच में चार कॉलम, तो अब कॉस की पहले देख लेते हैं कॉस का कैसे होगा, तो दिमाग में सेट करना है साइन
का मान जो है जैसे जैसे इसका एंगल बढ़ता है वैसे वैसे इसका मान बढ़ते जाता है। देखिए जीरो है, एक बटे दो है, यानी 0.5 हो गया। उसी तरह ये 0.5 से थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, ये उससे भी ज़्यादा जाएगा और जाते जाते एक चल जाएगा। यानी साइन का मान एंगल बढ़ने से बढ़ता है और कॉस का मान एंगल के बढ़ने से घटता है, उल्टा होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो साइन का मान लिखे हैं इधर से लिख देना है, वो हो जाएगा कॉस का। अर्थात वहाँ 90.01 है तो यहाँ हम इधर एक कर देंगे, तो बताओ क्या होगा, एक बस उधर से लिख देना है। 90 की जगह एक है तो हम यहाँ इधर एक लिखेंगे। उसके बाद है √3/2, तो यहाँ लिखेंगे √3/2। और ये तो बीचे में आ गया दोनों, मतलब इधर से चल रहे हैं, एक एक √3/2, ये देखिए बीचे में आ गया, तो ये यही रहेगा 1/√2। उसके बाद देखिए अब यहाँ आ गए, तो चूँकि इधर से चल रहे हैं इधर से चल रहे हैं तो यहाँ आ गया, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये 0 है तो ये भी हो जाएगा 0। देखिए साइन के मदद से हम कॉसेक देख लिए और साइने के मदद से हम कॉस का भी देख लिए। और जैसे ही कॉस पता चला तो हमको पते हैं कि कॉस जो है किसका उल्टा है, सेक का। अब इसको उल्टा कर करके लिख दो, सेक बन जाएगा। तो चलो करते हैं, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1/1 तो क्या होगा, एक। इसको उल्टा करेंगे तो कितना होगा, 2/√3। इसको उल्टा करेंगे तो √2, अब बटे में एक नहीं लिखेंगे। इसको उल्टा करेंगे तो 2, इसको उल्टा मतलब क्या, अभी 0 है, उल्टाएंगे तो उल्टाएंगे तो 1/0, यही कंडीशन बनेगा, यही कंडीशन बनेगा तो हम इन्फिनाइट का सिंबल दे देते, ये वाला हुआ। अब 10 का बात करें तो 10 का कैसे निकालें, साइन के मदद से हम ये निकाल लिए, इसी की मदद से ये निकाले और इसके मदद से ये निकाल लिए, बस दो कॉलम बच रहे। तो साइन कैसे निकलेगा, तो अति 10 कैसे निकलेगा, तो देखो पीछे हम देख चुके हैं एक टाइप में कि 10 θ बराबर होता है sin θ/cos θ। ये फॉर्मूला हमको पता है और ये पढ़ भी चुके हैं, इससे पहले 3 पार्ट हो चुका है, ये चौथा है। तब देखिए साइन 10θ बराबर होता है sin θ/cos θ, मतलब दोनों को बटे कर दो 10 का मान निकल जाएगा। और दोनों का मान पता है, साइन का मान पता है, कॉस का मान पता है। देखो ये हुआ साइन का मान, ये हुआ कॉस का मान, तो दोनों का बटे, तो इसको दिमाग में सेट कर लो ये बटे है तो क्या होगा बताओ, 0/1, 0/ कुछ भी 0, तो इसलिए 10 कितना होगा, 0। इसको बोले बटे सेट कर लेना दिमाग में। अब 1/2 अब बटे √3/2, तो यहाँ करके दिखाते हैं, 1/2 अब बटे √3/2 हो जाएगा 2। जब 4 आ जाए तो उलट जाता है, या 2 यहाँ से भी काट सकते तो उलट जाएगा। तो बताओ 1/2 चल जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे, यहाँ से ये कट गया तो बचा क्या, 1/√3। तो ये हो जाएगा कितना, 1/√3। अब ये मान देखो इतना बटे इतना, अब बताओ दोनों सेम ही चीज़ है, तो जब सेम चीज़ है तो इतना बट इतना करेंगे दोनों कट के हो जाएगा 1, तो 10/45 कितना हो जाएगा, 1। अब यहाँ देखो इतना बटे इतना करेंगे तो यहाँ जैसे ये दो दो कट के 1/√3 बचा वहाँ करके दिखाए, उसी तरह यहाँ दो दो कट के √3/1 रहेगा, तो बटे एक नहीं लिखेंगे तो केवल क्या होगा, √3। अब 1/0 तो 1/0 यहाँ देखो इससे पहले लिखे 1/0, नीचे में 0 हो तो इन्फिनाइट हो जाता है, तो ये मान कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट, यानी 10^90 हो जाएगा, वह परिभाषित इन्फिनाइट अनंत हो जाएगा। अब कॉट, कॉट तो पते हैं 10 का उल्टा होता है, तो 10 अगर पता चल गया तो कॉट भी पता चल जाएगा, इसको उल्टा उल्टा लिख दो। तो सोचो उसी तरह नीचे में नहीं कुछ है तो 1 उल्टाएंगे तो हो जाएगा 1/0, 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। इसको उल्टाओ तो √3/1 होगा, तो 1 नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, √3। और ये 1/1 तो क्या होगा, 1, क्योंकि बटे में नहीं है तो 1 है,
उल्टाएंगे तो एक बटे एक तो एक ही होगा, यहाँ भी नहीं कुछ है तो एक है, उल्टाएंगे तो एक बटे हो जाएगा रूट थ्री, एक बटे हो जाएगा रूट थ्री। और यहाँ देखो अब यहाँ समझ लें, इसको उल्टाना है, ये इन्फिनाइट है, नीचे में नहीं कुछ है तो एक है, जब इसको उल्टाएंगे तो एक बटे हो जाएगा इन्फिनाइट, इन्फिनाइट यानी अनंत। तो कोई भी संख्या में जब अनंत से भाग देते हैं, बहुत बड़ा नंबर है ये जिसका कोई अंत नहीं है, तो कोई भी संख्या में जब इससे भाग देगा तो उसका मान लगभग कितना आ जाता है, सुन्ना। इसलिए ये कितना हो जाएगा, सुन्ना। अब देखिए इस तरह से हम केवल साइन के मान से पूरा टेबल को हम लिख दिए, तो इसलिए केवल साइन का मान याद रखो और पूरा टेबल अपना से भी कर सकता है, और दो चार बार जब रिवाइज करेगा तो मान भी याद हो जाएगा। एक बार फटाफट हम रिवाइज कर देते, देखिए पहले साइन का मान याद रखना है, साइन का कैसे रखना है, तो क्या बोले, टेबल पाँच गो है, इसमें हम बोले जीरो से काउंटिंग करना, जीरो से काउंटिंग करेंगे तो ये जीरो नंबर पर, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, और उस सब का क्या करना है, रूट कर देना, और बटे टू करते जाना मान निकल जाएगा। जीरो का रूट जीरो बटे टू, तो जीरो बटे कुछ भी जीरो, एक का रूट एक बटे टू, तो एक बटे टू, रूट टू का रूट करेंगे तो वह रूट टू ही रहेगा, बटे टू परिमेयकरण किए तो ये आ गया, रूट थ्री अब बटे टू, रूट चार का वर्गमूल दो निकलेगा, दो बटे दो करेंगे कट के एक, जैसे ये निकला तो इसका उल्टा कॉस एक, तो जीरो का उल्टा करेंगे वो परिभाषित, इसका उल्टा करेंगे दो, इसका उल्टा करेंगे रूट टू बटे एक, तो केवल रूट टू लिखेंगे, इसको उल्टा करेंगे तो हो जाएगा टू अब बटे में रूट थ्री, और एक बटे एक तो एक ही होगा। जैसे ये दोनों पता चला तो कॉस के बारे में बोले उधर से लिख देना है, एक है तो एक, रूट थ्री बटे टू तो रूट थ्री बटे टू, ये बीच में ही आ गया तो यही हो गया। अब ये एक बटे दो और जीरो ये हो गया, अगर ये दोनों पता चल गया, कॉस पता चल गया तो इसका विपरीत सेक, एक का उल्टा एक, इसको उल्टा दो, दो बटे रूट तीन, इसको उल्टा दो, तो उल्टाएंगे तो रूट टू बटे एक, एक नहीं लिखेंगे, इसको उल्टाओ दो बटे एक नहीं लिखेंगे, इसको उल्टाएंगे तो जीरो का उल्टा इन्फिनाइट हो जाएगा। टेन, टेन कैसे याद होगा, तो यहाँ हम बताए कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो यहाँ देखिए साइन ये है कॉस ये है, तो हम ये दिमाग में सेट करने के लिए बोले कि इसी को समझ लो बटे है, ये बटे तो जीरो बटे एक जीरो, इतना बटे इतना तो दो दो कट के एक बटे रूट तीन, इतना बटे इतना पूरे के पूरे कट के एक, इतना बटे इतना दो दो कट के रूट थ्री बटे एक, तो एक नहीं लिखेंगे रूट थ्री, और एक बटे जीरो इन्फिनाइट। और जैसे ही टेन पता चला इसका उल्टा कॉट, तो उल्टा उल्टा का लिख दो, जीरो का उल्टा इन्फिनाइट, इसका उल्टा रूट थ्री, एक का उल्टा एक, और रूट थ्री का उल्टा एक बटे रूट थ्री, इन्फिनाइट का उल्टा जीरो, क्योंकि जीरो का उल्टा इन्फिनाइट तो इन्फिनाइट का उल्टा जीरो। तो इस तरह से आप पूरे टेबल को आराम से लिख सकते, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं वो जो टेबल अभी जस्ट लिखे और लिखने के लिए समझे कि पूरे टेबल को कैसे आप लिख सकते, अगर याद नहीं है तो फिर भी उसको आप बना सकते हैं केवल साइन का मान याद करके। अब हम देख लेते हैं कि जो कि एग्ज़ाम में पूछता है कि वही टेबल से पूछता है जैसे हम टॉपिक दिए हैं कि 45 डिग्री का सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, और इसी तरह के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन रहता है 30 डिग्री का सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें, 45 डिग्री का सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें, तो हम सब का देखेंगे बारी बारी से, जीरो का भी देखेंगे, 30 का भी देखेंगे, 45 अभी देख रहे हैं, फिर उसी तरह 60 का 90 का पूरा टेबल का मान हम निकाल के दिखाएंगे। तो पहले अभी 45 का देख लेते हैं, अगर 45 का सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है तो 45 डिग्री कब बनेगा, चूँकि समकोण त्रिभुज तो लेना ही लेना, इसमें कोई शक नहीं है, पूरे चैप्टर में समकोण त्रिभुज का ही चर्चा होगा, तो जब समकोण त्रिभुज की चर्चा होगा तो ये कोण तो फिक्स है 90 तो होगा। अब 45 तो हम जो भी कोण लेते हैं न्यून कोण लेते हैं, तो न्यून कोण ये दोनों बचा, तो 45 डिग्री कब बनेगा, तो सोचो अगर इसमें से एक भी 45 कोण हुआ तो दूसरा भी कितना हो जाएगा 45, क्योंकि तीनों मिलके 180 ही तो पूर्ता है, ये 90 है ये है,
अगर ये दोनों में से कहीं एक कोण 45 हुआ तो दूसरा भी हो जाएगा 45, क्योंकि ये दोनों मिलकर 90 ही पूरना चाहिए। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर इसमें से एक 45 लेते हैं तो दूसरा 45, और दो कोण अगर बराबर हो तो एक गुण है कि समान कोण के सम्मुख भुजा बराबर होता है। तो समान कोण है तो इसके सामने का भुजा ये और इसके सामने का भुजा ये दोनों भी क्या हो जाएगा आपस में बराबर। तब तो सोचो अगर दो कोण दो भुजा बराबर हो तो उसको हम कहते हैं समद्वि बाहु त्रिभुज, और समद्वि बाहु त्रिभुज हुआ और साथ ही साथ ये समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। तो इसलिए ऐसे त्रिभुज को हम कहेंगे समकोण और समद्वि बाहु त्रिभुज। तो 45 डिग्री के लिए हमको लेना पड़ेगा समकोण समद्वि बाहु त्रिभुज। तो लैंग्वेज में थोड़ा सा लिख देना आपको कि माना कि ABC एक समकोण समद्वि बाहु त्रिभुज है जिसमें B समकोण है, और फिर उसके बाद AB बराबर BC हो जाएगा। तो चलो हम फिगर डायरेक्ट बना करते हैं। तो ये हो गया आपका समकोण समद्वि बाहु त्रिभुज ABC, और ये कोण समकोण है B, और अभी हम बोले समकोण समद्वि बाहु, मतलब जितना बड़ा ये भुजा है उतने बड़ा ये रहेगा। और अभी जस्ट बोले हम कि अगर समान कोण है तो उसके सम्मुख भुजा भी बराबर होगा। तो इसका विपरीत भी लागू होता है कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है, ये भी लागू होता है। तो देखिए, तो हम जो है जनरली अगर इस कोण का बात करें तो ये सी के लिए लेंगे तो इसको थीटा मान लेते हैं, नहीं तो यहाँ लिख के दिखाते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में अगर बात करें, ABC में पहले जो है ना लंब आधार कर्ण निकाल लेना, निकालने के बाद जो है जो 45 डिग्री का वो लगाना। अब दोनों बराबरे हैं तो इसको अगर हम x मान लें तो ये भी कितना होगा, x होगा। अब समकोण त्रिभुज हमको पता है कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर का रूट, यही होता है ना। तो समकोण त्रिभुज अगर ABC में चलें तो हमको पता है AC बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर। तो यहाँ से AB है x, इसका रूट भी होता है, तो ये x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर और इसका हो जाएगा रूट, एक x स्क्वायर एक x स्क्वायर, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। और रूट का मतलब है जिसका जोड़ा लग गया वो निकलेगा, तो ये स्क्वायर है इसमें से x निकल जाएगा तो हो जाएगा √2x, मतलब ये पता चल गया कर्ण √2x। यानी कोई भी समकोण त्रिभुज हो पहले उसमें आपको तीनों भुजा पता करना है। तीनों भुजा पता करने के बाद जो कोण हमसे कह रहा है पहले आप वो कोण डिसाइड करो कि कोण लेना है, सी लेना है कि ए लेना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि सी और ए होगा कितना। तो इसके लिए आगे फिर करते हैं, देखिए समकोण त्रिभुज ABC में अगर चलें तो यहाँ से पता चलता है कि AB बराबर है BC, ये AB बराबर है BC, और अभी बोले कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है। तो AB के सामने का C और BC के सामने का A, तो यहाँ से निकल जाएगा कोण B बराबर हो जाएगा कोण AB के सामने का C है, तो कोण C बराबर हो जाएगा कोण A, ये हो जाएगा। अब ये दोनों कोण बराबर निकल गया, क्यों तो लिख भी सकते हैं बराबर भुजा के सम्मुख कोण, तो बराबर भुजा के सम्मुख कोण है इसलिए बराबर हुआ। अब अगर इस पूरे त्रिभुज में चले तो चाहे तो हम तीनों कोण को एक साथ ले सकते हैं क्योंकि तीनों मिलके 180, लेकिन ये समकोण है ही है तो हम दो ये कोण लेके चल लेते हैं। A और C मिलके भी कितना होगा 90, क्योंकि ये खुद 90 है, ये दोनों मिलके 90 होगा तब 180 होगा। तो यहाँ से हम जो है कोण A प्लस कोण C अगर बात करें तो कितना हो जाएगा
90 डिग्री। यहाँ से अगर मान लो कोई एगो को बदल दो, यहाँ देखो C बराबर A है तो C की जगह क्या लिख देते हैं A, और बराबर हो गया 90 डिग्री। तो दो कोण A बराबर कितना हो गया 90 डिग्री, यहाँ से कट कर देंगे तो 45 डिग्री। तो कोण A बराबर कितना निकल गया 45 डिग्री। अब यहाँ देखो A बराबर C है तो इसका मतलब ये हुआ कि कोण A बराबर कोण C बराबर निकल गया 45 डिग्री। तो यहाँ से हम दोनों न्यून कोण को ज्ञात कर लिए, हमको ज़रूरत है 45 डिग्री का। तो जब दोनों 45 निकल गया तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम C को भी ले सकते हैं और A को भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करना नीचे वाला लेने का, क्योंकि दिमाग में ज़्यादातर सेट रहता है कि जो खड़ा वाला भुजा होता है उसको लंब माना जाता है और जो गिरा होता है उसको आधार। ऐसे तो हम कोण के हिसाब से बता चुके हैं लेकिन ज़्यादातर दिमाग में यही सेट रहता है, तो मिस्टेक कम होने का चांस रहेगा, इसलिए नीचे वाला लेना, क्योंकि ये भी तो 45 निकला है। तो अब ये निकल चुका है कितना, ये निकल चुका है 45 डिग्री, ये निकल चुका है 45 डिग्री। तो कोण सी के लिए पता करो कि कोण लंब बनेगा कोण आधार बनेगा। तो देखो C का बात करें तो इसके सामने का ये AB बनेगा लंब, तो BC बन जाएगा आधार, और कर्ण तो कभी बदलता ही नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे कोण C के लिए, अगर बात करें कोण C के लिए, तो कोण C के लिए लंब जो बनेगा वो लंब कोण बनेगा, कोण C के लिए लंब बनेगा AB, और आधार कोण बनेगा और ए बी बनेगा। तो चाहे तो यहाँ लिख भी सकते ए बी कितना है एक्स, और आधार कितना होगा, तो आधार होगा कौन भी सी के लिए बी सी, और बी सी भी कितना है एक्स। कर्ण की बात करें तो कर्ण क्या है ए सी, और ए सी कितना है रूट टू एक्स। जब हम समकोण त्रिभुज में चले तभी फिर पहले भी बोले कि तीनों भुजा पहले पता कर लेना, तब जाके जो हमसे पूछ रहे वो निकालना है। तो हम तीनों भुजा पता कर लिए, लंब कितना है, आधार कितना है, कर्ण कितना है, उसके बाद 45 डिग्री के लिए कह रहा है तो वो भी हम निकाल लिए 45 डिग्री। अब लिखते हैं जो हमसे पूछ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है 45 डिग्री के सभी त्रिकोण मितीय अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। तो 45 डिग्री का सभी त्रिकोण मितीय अनुपात, देखो साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री तनि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और ये सब पहले बता चुके हैं। तो लंब इसमें देखिए कितना है, तो लंब है आपको x और कर्ण है आपको रूट टू एक्स, तो यहाँ से हो गया x बटे में रूट टू एक्स। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से x x कट गया, ऊपर में नहीं कुछ है तो एक है, तो फाइनल मान निकल गया एक बटे रूट टू। आप उस टेबल में देख सकते हैं कि साइन 45 डिग्री एक बटे रूट टू होगा, जो कि निकल चुका है। उसी तरह अब निकाल लेते हैं किसका, कॉस का, कॉस 45 डिग्री निकाल लेते हैं। तो कॉस 45 डिग्री, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। तो बताओ आधार कितना है, आधार है x, कर्ण है रूट टू एक्स, तो आधार है x, कर्ण है रूट टू एक्स। यहाँ से भी वही बात, ये दोनों कट गया तो हो गया कितना एक बटे रूट टू। आप उस टेबल में देख सकते हैं cos 45 डिग्री का मान कितना है एक बटे रूट टू। अब निकाल लेते किसका, tan का, tan 45 डिग्री, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब अब बटे कर देना है आधार, तो लंब कितना है यहाँ देखो, लंब है x,
आधार है एक्स, तो एक्स बटे एक्स, बताओ दोनों कट जाएगा और पूरा कट जाता है तो कितना होता है एक, तो टेन पैंतालीस का मान कितना होता है एक होता है। अब किसका निकालेंगे कॉट पैंतालीस, अगर तीन पता चल जाए तो बाकी तीन तो उसी का उल्टा होता है, तो कॉट किसका उल्टा टेन का, तो इसको उल्टा दो, मतलब आधार बटे लंब, और दोनों एक्स है तो कट के कितना हो गया एक, तो कॉट 45 भी कितना होता है एक होता है। अब किसका निकालना है सेक का, सेक 45 डिग्री, तो सेक 45 डिग्री निकालेंगे तो सेक थीटा सेक किसका उल्टा कॉस का उल्टा, और कॉस देखो आधार बटे कर्ण है तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है यहाँ से देखो कर्ण है रूट टू एक्स, आधार है एक्स, तो रूट टू एक्स बटे में एक्स, एक्स एक्स कट गया तो बचा कितना रूट टू, तो आप टेबल में देख सकते हैं सेक 45 आपको रूट टू मिलेगा। उसी तरह निकाल लेते कौन कौशिक, कौशिक 45 निकालेगा तो साइन का उल्टा होता है, तो साइन है लंबटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना है कर्ण है रूट टू एक्स, लंब कितना है एक्स, यहाँ से एक्स एक्स कट गया तो ये हो गया रूट टू। आप उस टेबल में देख सकते हैं 45 डिग्री के सीधा में ये यही सब मान मिलेगा, एक बटे रूट टू, एक बटे रूट टू, वन वन रूट टू यही मिलेगा। तो इस तरह से हम साइन 45 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकते हैं, और इसके अलावा जो बचा है वो भी हम करके दिखाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा, क्लास ओवर हो चुका है, मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।